इन्हें मंत्रा कहें या मिसेस टीसा रक्षा सुमा कहें, जी हाँ ये दास्ता है मशहूर मारूफ अदाकारा ललिता पवार की। इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1916 में हुआ। इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन बिजनेसमैन थे। इन्होंने 9 साल की उम्र में ही अदाकारी शुरू कर दी। 1928 के फिल्म राजा हरिचंद्र में ये नजर आई थी और मुख्य फिल्मों के दौर में बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। इन्होंने 70 बरस की लंबी एक्टिंग की बारी खेली। जमाने में ये तकरीबन एक ही साल में एक दर्जन फिल्में कर लिया करती थी। 1934 में इन्होंने टॉकी फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। ललिता पवार ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसलिए इन्होंने घर पे ही एक उर्दू टीचर रखा जिसने इनको ये आवाज और भाषा सिखाई। शास्त्रीय संगीत की भी इन्होंने तालीम हासिल की, क्योंकि उस जमाने में हीरोइन को गाने खुद गाने होते थे और इनकी आवाज वाकई अच्छी थी। इसी वजह से ये बतौर हीरोइन काफी तरक्की कर रही थी। और तभी फिल्म जंगे आजादी की शूटिंग के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने एक हीरोइन को चरित्र अभिनेत्री बना दिया। सीन में एक्टर भगवान दादा को इन्हें एक थप्पड़ मारना था। वो थप्पड़ इतना जोर से लगा कि इनकी बाई आंख पूरी तरह से खत्म हो गई। 3 सालों तक ये फिल्मों में काम न कर सकी। चूंकि इनकी आंख नहीं थी इसलिए इनको कैरेक्टर रोल्स ही करने पड़े। इनकी उम्र तब सिर्फ 25 साल की थी। उस जमाने में राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे हीरोज इनसे उम्र में थोड़े ही छोटे थे और ये उनकी माँ का किरदार अदा करती थी। ललिता पवार का ये कहना था कि वो दुर्घटना उनके लिए एक अच्छी साबित तो हुई लेकिन उसने इनकी जिंदगी के लिए कुछ नए दरवाजे भी खोल दिए। इन्हें अवार्ड्स दिए गए, सम्मान दिया गया, प्यार दिया गया। इन्हें 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के अवार्ड से भी नवाजा गया। महान फिल्म मेकर और एक्टर राज कपूर साहब ने आरके स्टूडियो की नई बिल्डिंग बनाई। उनकी ख्वाहिश थी कि ललिता पवार के हाथों से ही उस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हो। रामानंद सागर के रामायण में इन्होंने जो मंत्रा की अदाकारी निभाई देखने के लायक थी। और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनारी में मिस टीसा के अदाकारी ने तो इन्हें अमर ही बना दिया। इनकी शादी हुई गणपत राव पवार से। शादी इन्हें तोड़नी पड़ी क्योंकि इन्हें पता चला कि इनके पति का रोमांस इनकी छोटी बहन के साथ चल रहा है। बाद में इनकी शादी हुई फिल्म प्रोड्यूसर राज प्रकाश गुप्ता से, जो कि बॉम्बे के स्टूडियो से ताल्लुक रखते थे। इस शादी से इन्हें एक बेटा भी हुआ। ललिता पवार की डेथ हुई 24 फरवरी 1998 में महाराष्ट्र के पुणे इलाके के औध शहर में। इन्होंने आखिरी सांसें ली। ललिता पवार जैसे अदाकार एक ही दफा जन्म लेते हैं।